सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी का ट्वीट आया है, हम आपको बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमरोहा में दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। दोनों ट्रक में इस वक्त भीषण आग लग गई है, ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ ये दोनों ट्रक जा रही थी। डिंडौली कोतवाली क्षेत्र की घटना है, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से दोनों ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई और उसके बाद आग के गोले में ये दोनों ट्रक बदल गई। अमरोहा में दो ट्रकों में भीषण टक्कर की तस्वीरें सामने आई है। दोनों टक्कर जो ट्रक थे टकराने के बाद उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर की जलकर इसमें मौत हो गई है। ये जो दोनों ट्रक थी वो मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी जब ये हादसा हुआ। बातचीत करने के लिए शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, किस तरह से हुआ ये हादसा? जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना डिरोली क्षेत्र के जोया नेशनल हाईवे 9 का है, जहां आज बीती सुबह लगभग 4 बजे करीब एक ट्रक नेशनल हाईवे 9 के किनारे खड़ा था, पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक लगी तो एक पूरा आग का गोला बना और उसमें दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और आग लग इसे भयंकर थी। फिर पूरा जो नेशनल हाईवे है उसमें अफरा तफरी मच गई और लगभग जाम लगा कई किलोमीटर का। पुलिस ने मौके पहुंचा और जब तक एक जो ट्रक चालक ने पीछे टक्कर मारी थी वो ट्रक चालक की मौत हो गई है और दिल्ली दिशा की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर आबकारी विभाग और सिटी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बेचते एक शख्स को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस की छापेमारी का लाइव वीडियो सामने आया। पुलिस टीम को दौड़ाने के बाद शराब तस्कर पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसने झाड़ियों में अवैध शराब का जखीरा छिपा कर रखा हुआ था। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र से इस बदमाश की गिरफ्तारी।